इंदौर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में आयोजित रोजगार दिवस कार्यक्रम के अवसर पर 2.84 करोड़ की लागत से इंदौर इंटरनेशनल टॉय क्लस्टर का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उद्यमिता विकास प्रशिक्षण के लिए ई लर्निंग मॉड्यूल का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को इंदौर में टॉय क्लस्टर का शिलान्यास किया। रोजगार दिवस पर मानिकबाग रोड स्थित अमरदास हॉल में आयोजित कार्यक्रम में हितग्राहियों को चेक और प्रमाण पत्र वितरित किए। इसके साथ ही सीएम ने कई बड़ी घोषणाएं भी इस मंच से की। इनमें जनवरी 2023 में इंदौर में एनआरआई समिट और उसके बाद ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन करने की घोषणा की। इसके साथ ही 3 सितंबर को भोपाल के जम्बूरी मैदान में चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित करने के लिए भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले एमएसएमई विभाग के मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने इंदौर में आकार लेने वाले टॉय क्लस्टर के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इंदौर में मात्र 3.5 हेक्टेयर में बन रहे टॉय क्लस्टर में 22 फैक्ट्रियां लगेंगी, जिसमें 2100 से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा। मुझे बताती हुई खुशी है कि 4 महीनों में हम 9,52,024 बेटा बेटियों को या गरीब बहनों और भाइयों को लोन देके रोजगार से लगा चुके हैं। 9,52,024 और इनको जो ऋण स्वीकृत हुआ है विभिन्न योजनाओं में वो 6,81 करोड़ रुपया है। मेरे बेटा बेटियों, हमारा फोकस है रोजगार। मेरी बहने बैठी है सेल्फ हेल्प ग्रुप की भी, हम लगातार उनको रोजगार से लगाने का काम करते हैं। फल सब्जी बेचने वाले फुटपाथ, हाथ ठेला में सामान रख के छोटा मोटा काम धंधा करने वाले, छोटी मोटी दुकान चलाने वाले, वहां से लेके स्टार्टअप तक हमारे वो बच्चे जिनके पास इनोवेटिव आइडिया है, उनके स्टार्टअप शुरू करवाने तक हमारा संकल्प है। हम उनके साथ खड़े रह के उनका काम धंधा चालू करवाएंगे। एक बात की मुझे और प्रसन्नता है, इंदौर में इस बार प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन होगा 7, 8, 9 जनवरी को, जिसमें पूरी दुनिया से एनआरआई प्रवासी भारतीय इंदौर आएंगे। प्रधानमंत्री जी को हमने निवेदन किया है कि वो इसका उद्घाटन करें और उसके साथ साथ और निवेश के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी इसके तत्काल बाद लगी लगाई तिथियों में हम प्रारंभ करेंगे। एक और प्रसन्नता, G20 देशों का सम्मेलन इस बार भारत में हो रहा है, उसके अंतर्गत भी इंदौर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इंदौर की ब्रांडिंग पूरी दुनिया में होगी, मध्य प्रदेश की ब्रांडिंग भी पूरी दुनिया में होगी, तो G20 का भी एक कार्यक्रम इंदौर में, एक भोपाल में, खजुराहो में हम कर रहे हैं। तो हमारा भरसक प्रयास है कि हम रोजगार के क्षेत्र में कोई कसर ना छोड़ें। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।